गुड आफ्टरनून। आज हम किंग ऑफ फंजे को कंटिन्यू करेंगे और इसमें से हमें आज रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स पढ़ने हैं फंजे के। ठीक है, इसमें दो तरह की रिप्रोडक्शन होती है, एक एसेक्सुअल और दूसरी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है। किसमें? इन केस ऑफ फंजे। अच्छा, रिप्रोडक्शन में अगर हम बात करेंगे तो इनमें जो सेक्सुअल और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है वो किससे होती है? स्पोर से होती है। लेकिन जो एसेक्सुअल मेथड है, इनमें एसेक्सुअल वो कॉमन मेथड है और उसमें आइडेंटिकल एसेक्सुअल में क्या बनते हैं? आइडेंटिकल ऑर्गेनिजम्स बनते हैं। ठीक है ना, जो फंजे है ये सेक्सुअली भी रिप्रोड्यूस तभी करते हैं जब कंडीशंस और पुअर होती हैं और न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं वो भी बहुत कम होते हैं। ठीक है, तो स्पोर्स जो हैं ये उन ऑर्गेनिजम्स की अडेप्टेशन है किस पे? लैंड पे। ये क्या करते हैं? ये इनमें ये होता है कि जो स्पीशीज होते हैं वो डिस्पर्स हो जाते हैं, वो फैल जाते हैं नई नई लोकेशंस पे। स्पोर में क्या होता है? रिप्रोडक्टिव सेल होता है, उससे क्या बनता है? नया ऑर्गेनिज्म बनता है। ठीक है, स्पोर्स क्या होते हैं? दीज आर नॉन मोटाइल। और ये कैसे, इनका एजेंट क्या है? ये कैसे डिस्पर्स होते हैं? ये डिस्पर्स होते हैं बाय विंड। ठीक है, स्पोर जो होते हैं उनमें क्या प्रेजेंट होते हैं? रिप्रोडक्टिव सेल्स। अच्छा, ये स्पोर जब कहीं पे गिरता है तो वहां से हाइफी की ग्रोथ होती है। स्पोर जो है वो जर्मिनेट होता है और यही थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर बनाता है, ये डिफरेंट नेटवर्क बनाता है ये थ्रेड्स का, जिसको हम क्या बोलते हैं? माइसीलियम बोलते हैं। माइसीलियम जो होता है इसका सरफेस एरिया ज़्यादा होता है, जितना सरफेस ज़्यादा होता है उतनी ही इन फंगस में डाइजेशन और एब्जॉर्बिशन ऑफ फूड ज़्यादा होती है। किस में? इन केस ऑफ फंगस। फंगस ठीक है, जब स्पोर जर्मिनेट करता है तो वो क्या बनाता है? ये नेटवर्क ऑफ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स, एंड दो स्ट्रक्चर्स आर कॉल्ड माइसीलियम। ठीक है, माइसीलियम किस में हेल्प करता है? डाइजेशन एंड एब्जॉर्बिशन ऑफ फूड। अच्छा, अब ये तो थी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो कि स्पोर से होती है, और इनमें माइसीलिया बनता है जो क्या करता है? डाइजेशन की प्रोसेस में हेल्प करता है और एब्जॉर्बिशन ऑफ फूड में हेल्प करता है। अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कब होती है? जब कंडीशंस जो होती हैं वो पुअर होती हैं, जैसे न्यूट्रिएंट्स कम होते हैं या स्पेस कम होती है या मॉइस्चर कम होता है। यहाँ पे डिस्टिंक्शन नहीं होती है मेल और फीमेल फंजे की। ठीक है, कुछ फंगस जो होते हैं वो डाइमॉर्फिज्म दिखाते हैं। डाइमॉर्फिज्म का मतलब है फंगस वॉन सेल स्ट्रक्चर जैसे यीस्ट है पहले वो बनता है वार्म कंडीशंस में, जैसे ही कंडीशंस ठंडी होने लगती हैं, कोल्ड कंडीशंस आती हैं, तो ये मोल्ड में चेंज हो जाता है। ठीक है, यीस्ट जो होता है वो हमें दिखने में वाइट एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर दिखता है, वाइल एज जो मोल्ड होता है वो डिफरेंट उनके कलर्स आ सकते हैं, ग्रीन, ऑरेंज, ब्राउन, ये पर्पल, और उनमें क्या होते हैं? उनमें हाइफी डेवलप होते हैं। ठीक है ना, या ये डायमॉर्फिज्म में क्या बता सकते हैं हम? जो फंजे है ये माइसीलिया है या यीस्ट लाइक स्टेट में प्रेजेंट होता है, ये कब होता है? फिलामेंट ये तभी बनाता है जब इसका टेम्परेचर 25 होता है, और राउंड कब बनाता है? जब 37 होता है। हम ये बता सकते हैं यीस्ट बनता है वार्मर कंडीशंस में सिंगल सेल्ड और मोल्ड में। ये डायमॉर्फिज्म का मतलब है ये दो शेप्स हमें या यीस्ट की या मोल्ड के दिखाएगा। यीस्ट का ये वार्म कंडीशन में दिखाएगा और मोल्ड का ये कोल्ड कंडीशन में दिखाएगा। ठीक है, अच्छा, फिर इनमें क्या होता है? इनमें हाइफी जो होते हैं वो हैप्लॉइड होते हैं। हाँ, इसमें क्या करते हैं? इसमें एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव हाइफी होता है। ठीक है, वही फ्यूज करते हैं। आप देख सकते हैं डायग्राम, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव है। ये क्या बनाते हैं? हाइफी बनाते हैं जिनमें दो न्यूक्लियर होते हैं, यही जायगोट बनाते हैं। फिर यही जायगोट डिवाइड करता और क्या बनाता है? स्पोर। जैसे कि इस पिक्चर भी में आप देखेंगे, क्या याद रखेंगे आप? हैप्लॉइड हाइफी एक पॉजिटिव एक नेगेटिव फ्यूज करता है। जब फ्यूजन मींस फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन होगी तो ये क्या बनाता है? दो न्यूक्लियर बनाता है, वही क्या बनाते हैं? जायगोट। ठीक है, तो जायगोट फिर क्या बनाता है? वो फर्दर डिवाइड होता है और क्या बनाता है? स्पोर बनाता है। ठीक है, ऐसे इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है। किस में? फंगस में। मोस्टली उसमें एसेक्सुअल होते हैं और पुअर कंडीशंस में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, उसमें भी एक पॉजिटिव स्ट्रेन एक नेगेटिव स्ट्रेन हाइफी का, वही फ्यूज करके
जाइगोट बनाते हैं, जाइगोट फर्दर डिवाइड होता है और ये एक सिंपल से इसमें रिप्रोडक्शन होती है, ठीक है। अच्छा, अब आपने तीन टाइप की एसेक्चुअल रिप्रोडक्शन होती है इन केस ऑफ फंगस, एक फ्रेगमेंटेशन, एक बर्डिंग और एक सेक्चुअल स्पोर्स। फ्रेगमेंटेशन क्या होता है, माइसीलियम का एक पार्ट जो होता है वो सेपरेट हो जाता है, वही फिर एक नया लाइफ स्टार्ट करता है, एक फ्रेगमेंट से नया एक इंडिपेंडेंट जो लाइफ है ऑर्गेनिज्म की वो स्टार्ट होती है फंगस की, ठीक है। दूसरी इसमें बडिंग, बडिंग में क्या होता है, छोटा सेल जो होता है वो निकल जाता है और वो एक फुल साइज़ में अलग अलग, ये देखो फुल साइज़ में ग्रो करता है, एक छोटा पार्ट डिफरेंट सेपरेट हो जाता है, वो भी फिर एक ऑर्गेनिज्म अलग से बनाता है जैसे कि यीस्ट में। ऐसे ही एसेक्चुअल स्पोर्स भी, इसमें एसेक्चुअल रिप्रोडक्शन में फंगस क्या आता है, ये स्पोर बनाते हैं किससे, सिंगल माइसीलियम से, ठीक है। सिंगल माइसीलियम से क्या बनते हैं, स्पोर्स बोलते हैं, उन स्पोर्स को हम क्या बोलते हैं, एसेक्चुअल स्पोर्स बोलते हैं। ऐसे ही ये जो रिप्रोडक्शन होती है वो किससे होती है, स्पोर से होती है। स्पोर्स कैसे बनते हैं, या तो वो हाइफी पे बनेंगे, या तो आप देख सकते हैं हाइफी पे इस पे बनेंगे, या तो ये स्पोरंजिया के अंदर बनेंगे सेकंड पिक्चर में, या तो ये फ्रूटिंग बॉडी में जैसे आप पेंसिलियम हाइफी देखते हैं, या ये एमेंचिया जो है, या तो ये डायरेक्ट हाइफी पे बनेंगे जो पेंसिलियम में है, ठीक है। स्पोरंजिया में आप इसमें पिलोबोलस में देख सकते हैं, और फ्रूटिंग बॉडी में आप अमैनिटा में देख सकते हैं। इनमें क्या बनते हैं, ये स्पोर्स बनते हैं, आप याद रखेंगे, या हाइफी पे, या स्पोरंजिया पे, या फ्रूटिंग बॉडी पे क्या बनते हैं, स्पोर बनते हैं, ठीक है। फ्रूटिंग बॉडीज जो हैं वो क्या मॉडिफाई हो जाती हैं हाइफी में, और वो क्या बनाते हैं, स्पोर्स। आप देखिए, ये देखिए यहाँ पे स्पोर्स बनते हैं, कौन से, एसेक्चुअल स्पोर्स, और ये अपराइट एक स्टॉक इसमें से निकलती है जिसको हम स्पोरंजियोफोर बोलते हैं। उसके ऊपर क्या प्रेजेंट होता है, उसके ऊपर प्रेजेंट होता है ये फ्रूटिंग बॉडी जिसको हम स्पोरंजियम बोलते हैं। ये स्पोरंजियम जो है ये जब मैच्योर हो जाता है, ये बर्स्ट होता है, इसी में से क्या लिबरेट होते हैं, स्पोर्स लिबरेट होते हैं, ठीक है ना। ये आप देख सकते हैं फ्रूटिंग बॉडी जो है वही मॉडिफाई हो जाती है हाइफी में, और उसके अंदर एसेक्चुअल स्पोर्स बनते हैं। ये स्टॉक जो है इसको स्पोरंजियोफोर बोलते हैं, और उसके अंदर होते हैं स्पोर। स्पोर कहाँ होते हैं, स्पोरंजियम के अंदर। जब स्पोरंजियम मैच्योर हो जाता है तो वो बर्स्ट होता है और वहाँ से स्पोर्स लिबरेट होते हैं। अब मेजर ग्रुप्स क्या हैं फंजे के, अच्छा कुछ पास्ट ईयर से कुछ रिक्लासीफाई हुए हैं ग्रुप्स, ठीक है ना। दो इसमें ग्रुप जो है, एक तो स्लाइम मोल्ड आता है इसमें, और एक वाटर मोल्ड आता है, ठीक है। फिर न्यूट्रिशन के बेस पे हम क्लासिफाई इनको कैसे करते हैं, एक तो सेप्रोप्स होते हैं जैसे डिकम्पोजर्स हैं, मोल्ड्स हैं, या मशरूम्स हैं, वो सेप्रोप्स में आते हैं। ऐसी पैरासाइट्स में ये क्या करते हैं, होस्ट को हार्म करते हैं, रस्ट और स्मट लगा देते हैं, ये प्लांट्स को अटैक करते हैं। तीसरे ये म्यूचुअलिस्ट्स भी होते हैं, ये बेनिफिट करते हैं दोनों को, या तो ये लाइकेंस इसमें आएगा, या इसमें क्या आएगा, म्यूचुअलिस्ट में माइकोराइजा, ये सब किस में आते हैं, न्यूट्रिशन के बेस पे अगर हम फंगस को क्या करते हैं, क्लासिफाई करते हैं, या तो वो सेप्रोब या पैरासाइट्स या म्यूचुअलिस्ट हो सकते हैं, ठीक है। मेजर ग्रुप्स क्या क्या हैं फंजे के, बेसिडोमाइकोटा है जिसमें क्लब शेप फंजे होते हैं, जाइगोमाइकोटा है जो ब्रेड मोल्ड में आता है, अच्छा काइट्रीडायोमाइकोटा आता है जो कि काइट्रिड्स में आता है, एम फंजे आता है जो माइक्रोराइजा में आता है, एस्कोमाइसाइट्सा मींस जिसमें सैक फंजे होते हैं, लाइकेंस मींस जिसमें सिम्बियोसिस होती है, अलगे और फंगस की एसोसिएशन होती है। ये फंगस के मेजर ग्रुप्स हैं, बेसिडोमाइकोटा, जाइगोमाइकोटा, काइट्रीडियोमाइकोटा, एम माइकोटा, एस्कोमाइकोटा और लाइकेंस, ये किसके ग्रुप्स हैं, मेजर ग्रुप्स हैं फंगस के। ये आप देख सकते हैं ये एस्कोमाइकोटा है, ये इसकी पिक्चर है काइट्रीडियोमाइकोटा की, बेसिडियोमाइकोटा की, जाइगोमाइकोटा की। आप देखिए जैसे ये रस्ट लगता है, ये फंगस लगता है कि माइकोराइजा है, ये देखिए ये लाइकेंस हैं, ये सब मेजर ग्रुप्स हैं फंगस के। अब ये देखेंगे कि ये कैसे बेनिफिट होते हैं फंगस ह्यूमन पे, जैसे डिकम्पोजिशन होती है, न्यूट्रिएंट्स की रिसाइकलिंग हो जाती है, कार्बन वापस चला जाता है एटमॉस्फेयर में, अच्छा जी बहुत सारे बायोसिंथेटिक फैक्ट्रीज हैं, वो क्या बनाती हैं, ड्रग्स बनाती हैं, एंटीबायोटिक्स बनाती हैं, अल्कोहल या फूड बनाते हैं, ठीक है ना, फर्मेंटिक प्रोडक्ट्स जैसे मशरूम्स वगैरह होती हैं, ठीक है, और ये
इसकी फंगस की क्या क्या और बेनिफिशियल इफ़ेक्ट हैं, ये जेनेटिक स्टडीज़ में भी यूज़ होते हैं, विटामिन्स प्रोड्यूस करते हैं, हार्मोन प्रोडक्शन में हेल्प करते हैं, कुछ एडिबल फंगस भी होते हैं जो हम खा सकते हैं, इंसेक्टिसाइड्स इससे बनते हैं, किससे, फंगस से। फंगस जो होता है वो बेनिफिशियल पार्टनर भी होता है दूसरे, जैसे ट्रीज़ के साथ या फ्लावरिंग प्लांट्स के साथ बनाता है, जैसे लाइकेंस है वो एसोसिएशन होती है एल्गी और फंगस के बीच में, ये जैसे ये देखिए एल्गी और फंगस के बीच में एसोसिएशन होती है, इससे क्या बनती है, इससे उनको बेनिफिट मिलता है, ठीक है। ऐसे ह्यूमन और हार्मफुल इफ़ेक्ट्स क्या हो सकते हैं, ये फूड को ख़राब करते हैं, पेपर क्लॉथ को, प्लांट में डिजीज़ काज करते हैं, एनिमल में डिजीज़ काज करते हैं, ह्यूमंस में एलर्जी काज करते हैं, ठीक है। कुछ टॉक्सिन्स हैं जो किससे, मशरूम्स से निकलते हैं और फूड के अंदर होते हैं, जैसे चीज़ के अंदर या ग्रीन्स के अंदर, उसे वो हमारे लिए क्या होते हैं, हार्मफुल होते हैं, ठीक है ना। कुछ एग्जांपल्स क्या हैं फंगस के, जैसे पक्सीनिया है या पेंसिलियम है या फाइटोप्थोरा है या स्टिलागो है, ये सब किसकी एग्जाम्पल है, फंगस की। फंगस एज एक्ट करते हैं पैरासाइट्स या पैथोजेंस, आप देखो ये क्या करते हैं, ये डिजीज़ काज करते हैं, इवन ह्यूमंस में भी ये डिजीज़ काज करते हैं फंगस, या ये पैरासाइट्स भी एज एक्ट करते हैं, ये दूसरी होस्ट की बॉडी को क्या करते हैं, ख़राब कर देते हैं, ठीक है। आप सिर्फ यही याद रखेंगे, फंगस में रिप्रोडक्शन जो होती है, रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स जो हैं, एसेक्चुअल सेक्चुअल स्पोर्स हैं, फिर एसेक्चुअली ये रिप्रोड्यूस होते हैं, स्पोर से सेक्चुअली भी ये, फिर स्पोर माइसीलियम बनाता है, ठीक है, सेक्चुअल रिप्रोडक्शन इसमें होती है, डायमॉर्फिज्म ये दिखाते हैं, ठीक है। फिर ऐसे ये सेक्चुअल रिप्रोडक्शन फ्रेगमेंटेशन बडिंग और एसेक्चुअल स्पोर से होती है, स्पोर्स हाइफी से भी, स्पोरेंजिया से, ये फ्लोटिंग बॉडी से बनते हैं। फिर उसके बाद मेजर ग्रुप्स फंजे के कौन कौन से हैं, रिक्लासिफिकेशन हुई है जिसमें स्लाइम मोल्ड्स और वाटर मोल्ड्स की एडिशन हुई है, क्लासिफिकेशन न्यूट्रिशन के बेस पे, सेप्रोब्स पैरासाइट्स और म्यूचुअलिस्ट है, फिर 6 मेजर ग्रुप्स हैं, ठीक है। फिर उसके बाद आप क्या याद रखेंगे, इनकी बेनिफिशियल इफ़ेक्ट्स क्या हैं फंगस के और इसके हार्मफुल इफ़ेक्ट्स क्या हैं और इसकी एग्जांपल्स, ठीक है। दैट्स एंड फॉर टुडे, थैंक यू।